टावल ला रही हूँ, 1 मिनट। ये रूडी उठ गया भाई, उठ गया। उठते ही ना ऐसी हालत होती है इसकी। क्या लगाई है होंठ पे बेटो? निकाल दिया। ये चितान चितान चितान, मेरा चितान चितान चितान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्लू ड्रेस, होल ब्लू, ब्लू टी शर्ट, ब्लू ट्राउजर, ब्लू ब्लू पजामे में सोता है, ब्लू कलर में सोता है मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग, आई लव यू रूडी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक ब्लॉग में। और अभी जस्ट खोखो को लेने का टाइम, ले जाने मतलब उसको लेने के लिए जा रही हूँ, वो टाइम होने वाला है। रूडी घूम रहा है यहाँ वहाँ, उसको चेंज करती हूँ मैं। ऑलमोस्ट यू नो मैंने टॉप डाल लिया, जींस डाल लिया, रेडी हूँ। और सुबह ना, सुबह जब मैं उसको छोड़ने गई थी तो काफ़ी काला सा आसमान और का था, बारिश होने के पूरे चांसेस थे। और मुझे भी लगा भी था, मैं 2 छाता लेके गई कि बारिश होगी, बट नहीं हुई है। और अब भी देखो कैसा हो गया, मतलब इतनी धूप हो गई है, सफोकेशन हो गई है। मतलब अगर बारिश ना ज़्यादा ज़्यादा हो और रेगुलर 1-2 2-3 दिन हो जाए तो शायद वेदर अच्छा हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए। लेकिन क्या होता है कि बारिश थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद वो हट जाती है। थोड़ी देर के लिए होती है, फिर जो उसके बाद जो ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि जो 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 हमारा भूमि, जो जमीन है, जो अर्थ है, वो पूरी तरह से भीग तो पाता नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो गर्माहट होती है ना वो ऊपर हे भगवान क्या हो रहा है रुकिए, तो वो ऊपर आ जाती है। ये देखो जरा कहां कहां से मैं क्या क्या बचाऊं, इस लड़के से मैं क्या क्या बचाऊं। चलो रेडी होते हैं, इसको ना मैं ककर करके संभाल। ओ मेरा बच्चा लग गया, लग गया, लग गया। ओ शिट 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 शिट, कहाँ लगा? ओ मम्मा मम्मा मम्मा, सॉरी बेटा, मेरा बच्चा इसके ना वहां पे लग गई, जहां पे बैठा था, नीचे से सामान निकाल रहा था। और ये क्या करता है, क्योंकि स्लाइडिंग वाला दरवाजा है, ये सामान निकालता है और दूसरी जगह से ना स्लाइड को, मतलब दरवाजे को ऐसे करता है, तो इसका जो ये वाला फिंगर है, लास्ट वाला फिंगर, वो वैसे बच गया, लास्ट वाला फिंगर आया इसमें। लेकिन एक बार नहीं, इसके साथ ना कई बार हो गया, कई बार हो गया। लेकिन बच्चा है, समझता नहीं है, तो काफ़ी थोड़ा मसाज वसाज करी उस पर, थोड़ा सा फूक मारा ताकि इसको ना थोड़ा बेटर फील हो, तो अभी ठीक है। तो ये रहा हमारा रूडी, दीदी को लेने के लिए रेडी है भाई। दीदी को इधर देख लो भाई, लाइट इस तरफ से, हाँ इस तरफ से ठीक आएगी, क्योंकि वैसे ना लाइट का वो अपोजिशन डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्ट हो जा डायरेक्शन हो जाता है, तो क्लियर नहीं आता है। चले दीदी को लेने, धूम धूम कल के चलेगा मेरा डुग्गा, मेरा डुग्गा। तो रूडी को मैंने पीछे सेटल कर दिया है बैठने के लिए। मैं क्या करती हूँ, ये एक ना नीचे इसका मैट्रेस है, मम्मा ने लाके दिया था, खोखो का है ये, तो क्योंकि ये जो सीट है लेदर की तो बहुत गर्म होती है, तो मैं इसको इसमें बिछाती हूँ, उसके ऊपर इसको बिछाती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने ड्राइव के लिए, मतलब खोखो के। इसको लेके आई हूँ स्कूल से, और ये रहा मेरा खोखो बेबी। खोखो लुक हियर, खोखो। तो हेलो गाइस, ये आई एम बैक फ्रॉम द स्कूल एंड शो योर बैग। सी मैंने इसके ये बनी बैग कैसे, इसको इसमें ना इसकी एक चेन थी जो टूट गई, तो मेरे पास मेरा एक पर्स था, उसकी चेन मैंने इसमें फिट करी। खोखो शो अस, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खोखो स्लिंग बैग। अब मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसको जब रूटी के लिए चाहिए होता है ना क्लास स्कूल जाने के लिए, तो इसमें फोन पैसा मैं रख के मैं ले जा सकती हूँ। ये क्या हो रहा है, फिनिश योर फूड, ये बैग लटका के क्या, कैसे खाना खाता है कोई? दिस इज द वे वी विल ईट। यस यस, टेल मी, लिसन मी, मी आ ही डोंट नो हाउ टू प्ले विद दैट वाइट टॉय, शी ही डोंट नो, इट्स ओके, ही विल प्ले लड्डू। तो बैठ गया है भाई। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बबल का खा लियो, खाना नहीं मिल रहा है क्या? खाना नहीं मिल रहा है मम्मा जी, जो ये चीजें खा रहे हो? Now what happened, Coco? Oh, we don't read homework, we're going to homework. See, you already done one, only one homework. One, do one more homework, then you can draw whatever you want. Go. Mommy, I'll do homework now. One more homework after painting. Okay. तो ना इसको मैंने आपको जैसे आज भी सुबह बताया था ना, जब मैं इसको लेने के लिए जा रही थी, कि इसको पेंट करना है, और अभी क्या है कि इसको फिर से दीवार पर पेंट करना है, तो मैंने इसको बोला था कि पहले ये अपना होमवर्क कर ले, उसके बाद ही पेंट करेगी। तो लेकिन मैम ने सिर्फ एक होमवर्क किया है, ये कह रही है एक होमवर्क करूंगी, उसके बाद मैं दूसरा होमवर्क करूंगी। और देखो आंसू पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ये लोग,
नाउ कम हियर. ओके चलो डू 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 डू. यू वॉन्ट टू डू कलरिंग ऑन द वॉल? पेंटिंग. पेंटिंग करनी है इसने. ओके देन आफ्टर पेंटिंग यू गोना डू दिस होमवर्क. You probably didn't get the water for me to put the brush aside, and I'll take out the paint and I'll paint on the wall. ठीक है मेरी राजकुमारी, I'll do everything for you, okay? Okay. मैंने इसको पेंट करने के लिए दे दिया है. अभी रूडी सो रहा है यहाँ पे. मैडम ने इसको कर्टन खोल के यहाँ पे कर रही है ये. Where are you gonna paint? On the table. No, no, don't paint on the table. Yeah. Then where are you gonna paint? On the wall. Okay. तो अभी अब इसकी पेंटिंग शुरू हो गई. अभी पेंटिंग करेगी अपना. खोखो की ना पेंटिंग पूरी हो गई है और इसकी जो पेंटिंग है वो अच्छा स्टिल पेंटिंग. तो ये देखो ये इसने इतना पेंट कर दिया है. यहाँ से पता नहीं क्या पेंट किया है, यहाँ पे पेंट किया है, यहाँ पे ये एरो बनाया है, वहाँ पे ऑरेंज कलर. खोखो डिड सो हार्ड वर्क. खोखो यू पेंटेड. Yeah. Are you happy now? Yes. You're still painting. Yes, but I need to use a little paint. Okay. You do. तो इसकी तो पेंटिंग हो गई पूरी, मेरी भी बन गई चाय. और अब मैं पीती हूँ अपनी चाय और आज का ब्लॉग कर देती हूँ मैं यहीं पे खत्म. मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए. टेक केयर, बाय बाय. हाँ हाँ, और ये साथ में बोल रही मैंने अभी अपनी पेंटिंग नहीं की है. तो इसने अपनी पेंटिंग नहीं की, अभी कर रही है. ये आप जब पूरी हो जाएगी ना, ये आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कितनी पेंटिंग करी है. पेंटिंग करी है. अभी